पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी का ये फूल है और यहाँ पे ये फल लगे हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये छठ घाट है और यहाँ से हम लोग आए हैं और ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ पे। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो चलिए हम डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल पे जिसका नाम है माई डियर जिंदगी। अभी मैं आ चुका हूँ सिवान से उत्तर 5 किलोमीटर दूर बासोपाली गांव में। यहाँ पे मैंने देखा कि हर साल लोग गेहूं और धान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरी का खेती किया जा रहा है। तो चलिए मैं आज इनके बारे में बताऊँगा कि कितना लागत है, कैसे इसका खेती किया जाता है, कितना प्रॉफिट है और क्या क्या है इसके बारे में। डायरेक्ट हम जानते हैं अपने जो ऑनर हैं इस खेत का उनसे। उससे पहले बता दें, अगर आप भुला भटक के आ गए हमारे चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलते रहे। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं इस खेत का ओनर है उनसे मैं आपको डायरेक्ट रूबरू कराता हूं और इसके बारे में जानते हैं। तो यहां पे है खेत का ओनर और कुछ हमारे दोस्त भी हैं। अर्जुन भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है माई डियर जिंदगी। आप सबसे पहले बताइए, आप करते क्या हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? ट्वेल्थ में। बहुत ही अच्छी बात है। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि यहाँ पे आप अपने सिवान जिला में स्ट्रॉबेरी का आप खेती करने लग गए? देखिए, हम तो पहले से ही गेहूं और धान यही सब मकई वकई उगाते थे जी खेत में, तो सोचे कुछ अलग क्यों ना किया जाए। बिल्कुल अलग करना चाहिए, हर साल तो यहाँ गेहूँ धान मकई वगैरह लोग लगाते हैं, तो आपने सोचा कि स्ट्रॉबेरी लगाया जाए। इसके पहले कुछ और भी सोचे थे क्या? कि बस कुछ सोचे नहीं थे। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि ये जो पौधा है, इसका जो बीज है, ये कहाँ से लाए आप? जी ये हम गोरखपुर के आगे से मंगाए हैं। गोरखपुर के आगे से जी। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि इससे अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉफिट तो हो रहा है। हो रहा है जी। ये जो है, आपको कितना दिन हो गया ये करते हुए, खेती करते हुए? इसका खेती हम दिसंबर जनवरी से किए हैं। दिसंबर जनवरी से किए हैं। तो जो यहाँ पे पौधा है, कितना पौधा होगा लगभग आपके अंदाज से? 10,000 पौधा। 10,000 है। इसका जो कीमत है बता सकते हैं इसका, कि लागत कितना लग चुका है अभी तक आपका? अभी तक तो 1,00,000 रुपया लग चुका है। मतलब लगभग 1,00,000 रुपया लग चुका है। ये जो फल होता है इसमें स्ट्रॉबेरी, तो इसको कैसे बेचते हैं आप? डायरेक्ट मतलब कहीं किसी कंपनी को देते हैं या पटना वगैरह गोरखपुर वगैरह ले जाते हैं? जी नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी अपने जिले वासियों को, सिवान जो सिवान जिले के आसपास रहते हैं, मैं लेना चाहते हैं जी, मैं उनको खिलाऊं, ले दूं जी, तो वो पहले खाएं, उसके बाद कुछ बाहर सोचा जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर हम केजी के बात करें कि कैसे केजी ये बिकता है या पीस के बारे में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा? तो जी पीस पे नहीं ये मिलता है, केजी से मिलता है। केजी से मिलता है। तो क्या रेट होगा, एक अंदाज़ा बता दीजिए? 600 का लगभग होगा। 600 रुपया पर केजी जी। बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि इससे प्रॉफिट होगा और हो भी रहा है। हाँ हो रहा है। बिल्कुल। थोड़ा सा लोकेशन के बारे में आप बता दीजिए, ये क्या लोकेशन का क्या नाम है, मतलब ये लोकेशन कहाँ पे है? जैसे कि जो देख रहे हैं हमारे वीडियो, अगर उनको बाई चांस लेना पड़ जाए या आपके खेत जो है इसको देखने का मन करे, तो कैसे आएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो सिवान से 5 किलोमीटर उत्तर बरहन गांव है। बरहन गांव के सटे बासोपाली है जी। तो बासोपाली मेरा घर हुआ और ये खेत बरहन में है। बरहन में है जी। तो बरहन और बासोपाली दोनों गांव सटे ही हैं और दोनों गांव के सटे ही ये खेत है। एक हमारे और भाई हैं यहाँ पे,
आपका क्या नाम है? रोहित नाम है। रोहित जी, आपको कैसा लग रहा है, आपके गांव में स्ट्रॉबेरी का खेती किया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप भी स्टूडेंट हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। तो इनसे भी मैं आपको रूबरू करा देता हूँ, इधर आइए, शर्माइए मत। क्या नाम है आपका, थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। राकेश कुमार, तो आप जब से यहाँ पे आए हैं इस खेत में, तब से मैं देख रहे हैं कि आप कहीं से ना कहीं से तोड़ के खा रहे हैं। तो भाई यूनिक चीज़ है तो खाना ही है। गेहूं और धान में मेहनत करके उपजाते हैं, उतना ही मेहनत अगर इसमें करेंगे तो बहुत आगे इसमें जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भुला भटक के आ गए हमारे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आप इस स्ट्रॉबेरी के खेती के बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक चैनल है जिसका नाम है इंटरटेनर RP, उस पर जाके देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।